सो जैसे आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हम डुगन बोस को पकड़ के लाए थे उसके घर से, और उसके बाद इसको हमने बिग माफिया के घर पे छोड़ दिया। तो बिग माफिया ने इसे बहुत मारा था, और बिग माफिया ने इसके बाद पता नहीं इसके साथ क्या किया। सो देखते हैं आगे। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिग माफिया के पास जाने वाले। लास्ट टाइम उसने डुगन बोस को पकड़ लिया था और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया। सो यार मिलके आते बिग माफिया से, फटाफट से देख के आते कि भाई वहाँ पे क्या हालचाल क्या हो रहा है। सो फटाफट अपनी लपर की निशान में चलते हैं, देख सकते हैं भाई साहब। अरे अबे यार देखो, चलाने भी नहीं आती, घर से सीधे मैंने थोक दी यार, आगे स्क्रैचेस वगैरह सब पड़ गए। कोई ना कोई दिक्कत नहीं यार, अपना बैनी जो है ना बहुत अच्छा दोस्त है, सबको तो पता ही है यार। सो देख सकते हैं फाइनली यार हम बस पहुंचने वाले अपने बिग माफिया के घर पे, देख सकते हैं। ओ भाई, जैसे देख सकते हैं कि अपने साइड में बिग माफिया घर आ चुका है। ओ भाई साहब, सो अंदर जाके देखते हैं भाई ये क्या हो गया। अरे ये सारी कार क्यों चली हुई, अरे फायर वाले भी आ रखे। ओ भाई साहब ये सब कुछ जला रखा है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, अबे सारे गोल्डन कार जला दी, बाकी कुछ आर्मर वाली कार बच गई। ओ भाई साहब यहाँ पे कुछ अटैक वटैक हुआ था क्या। अरे भाई साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ओ भाई गाइस कमेंट करके बताओ फटाफट यहाँ पे क्या हुआ होगा। ओ भाई साहब बिग माफिया का है। अरे भाई साहब यहाँ तो डुगल बोस भी नहीं है। ओ भाई पता नहीं यार कुछ तो सीन हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले से पूछता हूँ। ओ भाई साहब भाई किसने आग लगा दी, भाई कुछ अटैक वटैक हुआ था क्या, सीन हुआ था। ओ भाई साहब सो गए फायर ब्रिगेड वाले ने बताया यहाँ पे कोई मतलब किसी चीज़ की बहुत सारी कारवार सिक्योरिटी आई थी और यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर बरसाने लग गई और सबको मार के और पता नहीं किसी को किडनैप करके भी ले गए, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गाइस मुझे तो यही लग रहा है कि ये डुगन बोस की आर्मी आई थी शायद, और शायद बिग माफिया को पकड़ लिया और डुगन बोस को छुड़ा लिया। पता नहीं क्या सीन है, कुछ भी प्लान हो सकता है यार। मुझे तो लग रहा था कि बिग माफिया ने डुगन बोस को मार दिया, बट उसने नहीं मारा, उसे उसने पकड़ के ही रखा होता घर में। अब हम फटाफट से डुगन बोस के मेंशन चलते हैं। पक्की बात है ये मेंशन से इधर ही आया होगा और ये आज ही अपनी शायद फ्लाइट के लिए निकल रहा होगा। भाई साहब कितने सारे गुंडे हैं, ओ भाई कितनी सारी कार्ड्स वगैरह खड़े। गाइस मुझे लग रहा है डुगन बोस निकलने वाला है अपना दूसरे नॉर्थ या कैंटो के लिए। ओ भाई साहब भाई मुझे नहीं पता क्या सीन है, मुझे गाड़ी को साइड में लगा के ट्रैवल को कॉल करना पड़ेगा। ओ भाई साहब मैं अकेले नहीं मार पाऊंगा यार, ट्रैवल की आर्मी की ज़रूरत है। ओ भाई साहब देख सकते हैं जैसा कि यार, ओ भाई आज तो नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं डुगन बोस को मार के ही रहूंगा, देखते जा। और बिग माफिया से बोलूंगा इसको कोई ऐसी जगह पकड़ के रखना है ना, इससे बहुत कुछ बुलवाना है, अभी देखते जाओ। सो फाइनली यार मैं अपने ट्रैवल को कॉल लगा रहा, ट्रैवल मुझे दिख नहीं रहा, ये रहा। सो ट्रैवल को मैंने कॉल कर लिया, ट्रैवल ने मुझे बताया कि भाई मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ। तो देख सकते हैं ट्रैवल भी आ चुका है, ओ भाई सारी कार्ड्स वगैरह लेके आ चुका है। और ट्रैवल को बोलते तो मैं फटाफट चलते हैं ट्रैवल और सबको मार मार के आ जाते हैं। डुगन बोस को अभी पकड़ के रखना है, उसे मारना है ठीक है, उसके पैर वैर पे मारना है, वैसे उसने आर्मर पहन रखा होगा, देख सकते हैं भाई साहब। सो फटाफट से हमें जाना पड़ेगा भाई उसके मेंशन में और फाइट को करना होगा स्टार्ट। ओ भाई अरे वे ट्रैवल धीरे धीरे आ रहे अपनी टीम के साथ यार, कोई ना भी मैं मारना स्टार्ट करता हूँ, फटाफट भग के आ जाएगा, मुझे पता है भाई ट्रैवल बहुत मस्ती करते हैं, मैं सब पहले कवर करके देख लेता हूँ। ओ भाई साहब कितनी आर्मी, और ट्रैवल भी आ चुका है अपनी आर्मी के साथ। ओ भाई साहब मुझे मारना शुरू करना पड़ेगा। अरे भाई ये ले पहला हेडशॉट दिया, अरे भाई सबको साउंड पहुँच चुका है भाई, अब सब मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और अपनी भी आर्मी आ चुकी है, अभी आर्मी भी इन्हें बताएगी। ओ भाई साहब और ट्रैवल के कुछ फ्रेंड्स भी आ गए इनको मारने। ओ भाई साहब देख सकते हैं गाइस अब मुझे फटाफट से सबको मारना पड़ेगा। ओ भाई ट्रैवल की आर्मी ने भाई क्या मज़ा चकाया भाई, इन सबको भाई अंदर से ही मार दिया। ओ भाई साहब तू भी बैठेगा ले, ये भी बैठेगा, देख देख किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये भी बैठेगा, ये भी बैठेगा ले, पट से हेडशॉट भाई। मेरा आर्मर लगा हुआ है तो कोई मुझे गोली टच होनी नहीं है, ये सब गोलियाँ नीचे गिर जानी है, देखते जाओ यार। अभी देख तू भी क्या, ये ले तू भी क्या बेटा, तू भी क्या गंजे का, ये कैसे मार रहा है तू मुझे, आज नहीं छोड़ूंगा डुगन बोस को भाई, आज उसने मेरे से बदला दे। तू भी क्या, ये ले तू भी क्या, ये ले तू भी क्या, ये ले पट से हेडशॉट, तू भी क्या, तू भी क्या। अभी देख ट्रैवल साठ ज़्यादा फटाफट और इन सबको मारना है भाई, देख सकते हैं अपनी आर्मी के बंदे भी आ चुके हैं और मैंने आर्मी के बंदों से बोला है भाई डुगन बोस के साथ मैं लड़ूंगा तो उसे कोई नहीं मारेगा, देख सकते हैं। ओ भाई सब ले तू भी क्या, ये ले तू भी क्या, और पहाड़ में भी एक बंदा, ये ले तू भी क्या। ओ भाई साहब क्या गाड़ी फूटी, मज़ा आ गया। अरे भाई साहब डुगन बोस खुद ही आ गया यहाँ चल के। ओ भाई साहब अभी मारता हूँ डुगन बोस को, ले अब तू गया बेटे रुक जा, अभी देख डुगन बोस रुक जा, पहले पीछे वाले बंदों को मारता हूँ फिर डुगन बोस को, तो भाई 1 सेकंड में मार देगा तेरा भाई, देखते जा बेटे। अरे डुगन बोस, अरे यार शिट वो फिर से अंदर भाग गया कमरे के, शिट यार उसने बिग माफिया को भी पकड़ रखा है, वो बिग माफिया को मार सकता है, मुझे फटाफट से उधर निकलना पड़ेगा नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है यार। सो भाई देख ले तो इधर कोई आर्मी तो नहीं, अरे नीचे भी आर्मी ऐसे भी मार, तो तू भी गया, तू भी गया, ये ले ये ले, अबे ये रहा तू भी गया, तू भी गया। और ट्रैवल की आर्मी को बोल देता हूँ फटाफट से अंदर पीछे की साइड से चलते हैं भाई, यहाँ से तो नहीं जाएगी, देख सकते हो। ओ भाई साहब ये गया ये गया ये गया, अरे ट्रैवल का मुझे मतलब कुछ गन की आवाज़ आ रही अंदर से अलग सी, रुक जाए इन सबको पहले मैं। ओ भाई साहब तू मुझे मारेगा, ये ले घुसा, ले घुसा। अरे भाई साहब कितने बंदा आ गए, ये ले तू भी गया, ये ले तू भी गया,
ये ले तू भी गया, अरे अरे मुझे ट्रेवर बुला रहा है, शेट शेट ट्रेवर आ रहा हूँ 2 सेकंड में। ओ भाई साहब, ओ वोरा 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 दुकान बच्चों, हेलीकॉप्टर भी खड़ा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या मारा मैंने इसकी टांग पे। ओ भाई बेचारे की टांग वांग गई यार, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, पता लग गया कि मैं आ चुका हूँ। आ जाओ ट्रेवर फटाफट आ जा, पीछे भी गैंग आ चुकी है भाई। ट्रेवर मैं आ गया हूँ, अब देख अब मैं ही मारूंगा। ट्रेवर तुम्हारी टीम को बोल दे कि ना मारे, ठीक है अभी देखें सबको मैं मार देता हूँ फटाक से। ओ भाई साहब ये सब मरे, अब देख तू भी मरा, तू भी मरा। ये तुम मुझे मार कैसे रहे थे भाई, ऐसे मार रहे थे। अरे भाई साहब पीछे कोई है, अरे भाई पीछे और गैंग आ गई। शिट भाई शिट, ट्रेवर निकलना पड़ेगा। ओ भाई साहब ये तो अपनी टीम का बंदा है यार, मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। ओ शिट भाई साहब एक गाड़ी में और 3-4 बंदे और आ गए हैं। ओ भाई साहब यार मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है पता नहीं क्यों। ओ भाई साहब क्या वो बिग माफिया को लेके तो नहीं जा रहा है, या फिर उसे चोट वोट लग गई और वो जा रहा हो यहाँ से ये शहर छोड़ के। कुछ भी हो सकता है भाई, पता नहीं क्या सीन है भाई। ओ भाई साहब ये हेलीकॉप्टर में, अरे भाई डुगन बॉस उठ रहा है, अरे भाई साहब डुगन बॉस, अरे मारो भाई। ओ भाई और ये रहा बिग माफिया। ओ भाई साहब जो साइड लग रहा है उसे चोट वोट लग गई है और वो शायद दूसरे शहर में जाके अपना कोई प्लान व्लान बनाता हो या कुछ भी सीन हो सकता है भाई। कहाँ गया डुगन बॉस का हेलीकॉप्टर, नहीं दिख रहा मुझे। ट्रेवर देख के बता यार फटाफट कहाँ है भाई साहब, ये कहाँ निकल गया भाई। वो रहा डुगन बॉस, अब नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये ले ये ले, अभी यार शिट यार रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है मेरे। ओ भाई ये ले ये ले ये ले, अभी यार हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हो रहा यार, उसने आर्मर वगैरह फुल मतलब सब कुछ लगा रखा है यार। शिट यार मुझे फटाफट से पहले बिग माफिया को बचाना पड़ेगा यार। ये ले भाई बिग माफिया की रस्सी होल्डर, बिग माफिया फाइनली आ चुका है और ये साइड में छुप के एक बंदा मुझे मार रहा था। ये ले तू भी गया बेटा, अब तू गया। अरे रुक जा मैं साइड में जाके देख लेता हूँ यार, उसके हेलीकॉप्टर को नहीं लगने वाली। पास में एक एयरपोर्ट है, पक्की बात है वो यहाँ से एयरपोर्ट जाने वाला है और वहाँ से शायद कुछ अपना सामान रख के और वहाँ से उड़ लेगा नॉर्थ कैंटो के लिए। बट उससे पहले हमें उसके प्लेन को फोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, सामान रखने से पहले, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी सामान रखने तो यहाँ दोबारा आएगा। तो हम उससे पहले यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और जैसे वो सामान रखेगा मैं उसका प्लेन को फोड़ दूंगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेवर का ट्रक खड़ा हुआ है और फटाफट से इसके अंदर सब पूरी आर्मी आ चुकी है ट्रेवर की और बैठ जाते हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब यार और वो फट वो पहुँचना जाए यार, वो इधर जरूर आएगा गाइस 100% यार, सामान लेने वो आएगा ही आएगा, खाली हाथ तो जाएगा ही नहीं। तो हम उसे इधर नहीं मारेंगे, उधर ही पकड़ लेंगे, उधर ही उसका प्लेन को फोड़ देंगे, ठीक है, जिससे वो वहाँ पे जाना पाए। रुक तो हम इधर भी सकते हैं बट हम उधर जाएंगे। अरे बिग माफिया का है यार, बिग माफिया तो है ही नहीं। अरे वो पीछे, ओ भाई साहब बिग माफिया भी आ गया फाइनली, वो गन्स वंस लेके आ रहा था उसने बताया। सो फटाफट से बिग माफिया भी चढ़ चुका है, हमें फटाफट से चलना पड़ेगा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा भाई। आर्मी के ट्रेवर ने बात कर लिया कि हम आ रहे हैं और उसका कोई भी प्लेन हो उसको जाने नहीं देना। सो देख सकते हैं वो रहा सामने एयरपोर्ट, अब हमें फटाफट से वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो हम फाइनली पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और अब हमें फटाफट से देखना पड़ेगा डुगन बॉस कहाँ है और क्या कर रहा है यार, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ भी सीन वीन हो सकता है गाइस, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार डुगन बॉस निकल जाएगा यार, पता नहीं वो यहाँ पे घुस कैसे गया यार। यहाँ पे आर्मी की यार कोई भी आर्मी का बंदा बंदा नहीं दिख रहा, कुछ आज परेड वगैरह होगी इस वजह से आर्मी का बंदा यहाँ पे नहीं है। तो डुगन बॉस ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आज वो बिग माफिया को लेके जा सकता था, बट वो तो भाई मैंने उसको जो उसके पैर पे जो है गोली मार दी जिस वजह से वो बिग माफिया को लेके नहीं गया, उसका टाइम वेस्ट होता उसे भी पता है और वो मर जाता। सो गाइस देख सकते हैं वो रहा उसका प्लेन और मैंने इसी के साथ साथ भाई होमी लॉन्चर चल ले रहा। सो मैंने आरपीजी को मैंने इसके ऊपर फटाफट फेंका और इसका प्लेन हो गया फट गया। ओ भाई साहब देख सकते हैं भाई अभी तक तो फटा नहीं। सो उसका प्लेन भी बिल्कुल क्रैश हो चुका है और अब उसके बाद डुगन बॉस के पास कोई चांसेस नहीं है, मुझे फटाफट से वहाँ पे जाना पड़ेगा और डुगन बॉस को रोकना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। सो फटाफट सब बैठ चुके हैं और अब हमें निकलना होगा भाई। यार जल्दी बैठो यार, जल्दी बैठो यार, फुल नाइट्रो वाइट्रो मार के निकलते अपने भाई डुगन बॉस के। वो खड़ा डुगन बॉस भाई साहब वो रो क्यों रहे। अरे भाई साहब ये रहा डुगन बॉस फाइनली यार, फंस चुका है देख सकते हैं गाइस, खोल के कुछ अपना सामान रख ही रहा था। ओ भाई साहब अब डुगन बॉस को यार फाइनली गाइस सब पकड़ लो, गनवन तैयार रखो। ओ भाई साहब सब देख सकते हैं डुगन बॉस को हमने फाइनली पकड़ लिया, अब डुगन बॉस को इस बार नहीं छोड़ूंगा। और बिग माफिया बोल रहे उसको मैं इस बार ऐसी टनल में रखूंगा ना कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, इस बार मुझे बिग माफिया ने ये बोला वादा किया। देख सकते हैं डुगन बॉस को हमने रस्सी से बांध दिया है। ओ भाई साहब अब चलते हैं फटाफट यार बिग माफिया के घर पे। ओ भाई फटाफट नाइट्रो मार के। अरे भाई साहब यार इस बार डुगन बॉस को नहीं छोड़ना गाइस, और यार कमेंट करके बता दो यार वीडियो कैसी लगी वैसे तो। सो अब देख सकते हैं भाई साहब यार डुगन बॉस बेचारा भाई चिल्ला रहा है। ओ भाई साहब रुक जैसे एक इंजेक्शन दे दिया बिग माफिया ने, कुछ ही देर में भी ये सो जाएगा डुगन बॉस। अभी ये उठेगा सीधे जेल के अंदर या टनल के अंदर, किसी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी उस टनल के अंदर, कोई नहीं आ सकता। बिग माफिया को भी नहीं पता था उसके घर पे अटैक क्यों हुआ। ओ भाई अब हमें फटाफट निकलना पड़ेगा भाई बिग माफिया घर पे। देख सकते हैं भाई हम फाइनली हम अपने एयरपोर्ट से तो निकल गए हैं और अब हमें यार फटाफट बिग माफिया के घर पर जाना पड़ेगा। ओ भाई
सो देख सकते हैं हम फाइनली अब बिग माफिया घर पे बस पहुंचने ही वाले हैं। सामने उसका घर आ चुका है और ट्रक को पार्क करके फटाफट से देख लेते हैं। और यार बिग माफिया की बहुत सारी कार भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी क्योंकि सारी कार को तो जला दिया, बाकी कार इनके गैराज में रखी है बिग माफिया की, तो वो हम अगली वीडियो में करते हैं। सो फटाफट ट्रक को मैं यहाँ पे छोड़ के और पूरी गैंग को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ और जो डुगन बोस है उसको मैं यहीं पे बंदे रहने देता हूँ। ये रहा डुगन बोस, देख सकते हैं ट्रक के अंदर अभी भी बंधा हुआ है, सो रहा है मजे से, इसको तो मैं बताऊँगा। सो बिग माफिया ने मैंने बोला कि यार बिग माफिया मैं जाऊँगा कहाँ से, यार मेरी गाड़ी भी यहाँ पे नहीं है। तो बिग माफिया ने बोला मेरे गैराज में गाड़ी खड़ी है, तू उसे ले जा सकता है। सो बिग माफिया की यहीं पे साइड में एक गाड़ी खड़ी है, ये रही और उसका नाम है जर्टर्नो। और फटाफट चलते अपने घर पे, मैंने डुगन बोस को माफिया के घर पे छोड़ दिया है उसके भरोसे। अब बिग माफिया देखेगा क्या करना है, वो उसे टाइट सिक्योरिटी में रखेगा, वो तो उसने टाइट सिक्योरिटी हल्के में ले लिया था यार, समझ में नहीं आया था। सो अब फाइनली हम घर पहुंच चुके अपने और भाई फिर से गाड़ी ठुक गई है मेरी हमेशा की तरह। सो गाइज देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, कमेंट में स्पैम कर देना पार्ट टू पार्ट फाइव पार्ट फाइव। सो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा हटने ना दू मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम होकर, खुद से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन लॉक जब वो गेम ऑन, गेम ऑन मेरा हटने ना दू मैं फोकस, वो अलग सबसे मिलता ना कुछ सेम।